बचाने वाले हर जमाने के लिए, आदमी मजदूर है राहें बनाने के लिए। ECL में नाम है जिस जिसका डाला जा चुका, कर रहा है कोशिशें वो भाग जाने के लिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, कहां पे डॉलर छुपा रहे हो हैं? दिल घबराता है, आंख भर आती है, सर्दी आती है, गैस चली जाती है। ये मसाइल तो है और भी, पर वो तशरीफ ला रहे हैं, क्या नाम है उसका लंबे का, क्या वो है वाजे चौधरी। हाँ दुनिया न्यूज़ के देखने वालों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। आज तो बिल्कुल देसी लग रहे हैं सर, है ना? हाँ लग रहा है प्राइमरी स्कूल के नाकाम हेडमास्टर। वो तो खैर मैं हूँ। दोनों ही इस तरह के ना जी पागल ने। किस तरह? हाँ दोनों आपस लड़ पे, तो ठाकर साहब इन कहते हैं ओए मेरी गल सुनो, जिदे को तू डरना जिदा हुक्म मनना मैं उन्होंने भी जानना। अगों कहना ए गल सुन लड़ाई दे विच अपनी भाभी नू ना लिया। चलो मैं ते बेवकूफ हाँ, कल दे भरा नू सट वज गई, फोन किया 112 ते, छेती आओ छेती आओ छेती आओ, ओ एडे छेती आए इन्हू भी थले देता। अच्छी बात है, आपका कमाल है आज ठाकुर साहब। अच्छा थैंक यू सर, मैं अभी आ रहा था तो एक लड़के ने मुझे कहा आज तो फवाद खान लग रहे हो। मगर वैसे आप आज लग रहे हैं मुझे कोई 70s और 80s के। तुम वैसे 70-80 दी फिल्में देखी ना, जो 70-70 तो बहुत देखी हुई है, आपने देखी है? हाँ मैंने देखी, मैंने सब तो अच्छी लगी सी मौला जट। अच्छा हाँ जी सर, तो फिर क्या ख्याल है बुला लें उन्हीं साहब को जिन्होंने बनाई मौला जट। अच्छा जी जी, बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, 412 फीचर फिल्में लिखी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए, 50 साल से ज्यादा का करियर, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जो ऑल टाइम आइकॉनिक डायलॉग है, मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, वो भी इन्हीं साहब की तख्लीक है। आप सबकी तालियों में जनाब नासिर अदीब। दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने तकरीबन बचपन में एक्टिंग शुरू कर दी थी और आज तक जारी और सारी है, मोहतरमा जवेरिया बासी। वेलकम टू द शो सर, आज दोनों ही बड़ी शख्सियत हैं। वैसे तो मैं कहना चाहता था नासिर अदीब साहब पे कोई शेर, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है, इसलिए मैं आज आप पे एक शेर कहूंगा जी। अरे शादी, फिर दिन तेरी यादों की मंडेरों पे गुजरा, फिर शाम हुई आंख से आंसू निकल आए, बेचैन किए रहता है धड़का यही जी को, तुझ में न जमाने की कोई खू निकल आए, फिर दिल ने किया तरके ताल्लुक का इरादा, फिर तुझसे मुलाकात के पहलू निकल आए। मेरा शेर तो हिब्बा के लिए है। दूरों वेखां ते महारानी वांगू लगदी है, दूरों वेखां ते महारानी वांगू लगदी है, चमकदा जेरा झील दे पानी वांगू लगदी है, मुंह धोंदी है ते दिल खट्टा हो जांदा है, मेरे बच्चियां दी नानी वांगू लगदी है। मेरा शेर तो आपको पता है कि हुसन के लिए, जी बिल्कुल, उसको देख के मेरे जिस्म से रूह निकली जा रही थी, वाह वाह, उसकी एक हरकत मुझे इतना तड़पा रही थी, अल्लाह, पांव के नीचे से जमीन निकल गई जब देखा मेरे खतों में पकोड़े रख के खा रही इंतहाई हकीकत पसंद अंजाम आपकी मोहब्बत का, जो कि बहुत ही नेचुरल है कि हो जाता है अक्सर। क्या हाल चाल है आप दोनों के? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर, कैसे हैं आप? मैं सर जिंदगी में पहली बार एक राइटर को अपने इस्तकबाल करते देख कर बहुत खुश हूँ, और ये लम्हा मेरी जिंदगी में हमेशा यादगार रहेगा कि मुझे वासे चौधरी ने रिसीव किया। ये मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है, और क्योंकि हमारे यहाँ पे एक आम फहम होता है कि अमूमन शक्लें याद रखी जाती हैं, मेरे लिए बड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप जैसे लोग जो हैं उनको भी लोग जाने,
और देखें कि वो है कौन जिसने ये सब कुछ क्रिएट किया। वैसे तो हम सब मौला जट को जानते हैं और सुनते हैं, और जिन्होंने नहीं भी सुना था खैर अब वो दोबारा जानना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके पीछे कौन सा जहन था और वो हाथ कौन से थे जिन्होंने वो लिखी चीजें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। नासिर साहब, 412 फिल्में जी, सर ये 412 फीचर लेंथ फिल्में जो आपने लिख दी, ये किधर से इतना मवाद आया? सर मवाद जब भी आता है किसी राइटर के जहन में, आप तो खुद और आपकी फैमिली में वगैरह के फिल्मों, आप अनपढ़, मेरा दादा और जिस गांव में था तो मैं पहला आदमी था डबल एमए तक पहुंचा, जिंदगी में कोई सफर पान फिल्म मेरे सीख 5 साल के बाद अल्लाह ने मेरी सुनी और वैशी जाट का स्क्रिप्ट मैंने इकबाल कश्मीरी साहब को सुनाया। जब मैंने स्टार्ट के 2-3 सुनाए सीन तो उन्होंने मुझे कहा कि कहानी तो ख़त्म हो गई, अब आगे क्या होगा। मैंने कहा जी आगे आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना। काफ़ी बहस हुई तो उन्होंने बड़ा तलख होकर मुझे कहा तुम्हें किसने कह दिया कि तुम राइटर हो, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम राइटर हो, हाँ निकल जाओ मेरे दफ्तर से। मैं दफ्तर से बाहर निकल गया, एवरन्यू स्टूडियो की लॉबी में चलता जा रहा था, एक आदमी की छाती से मैं टकराया तो उसने मुझे देख कर सवाल किया कि क्या हुआ, तो मैंने जब देखा तो वो मरहूम मोहम्मद अली साहब थे। मोहम्मद अली साहब जी, तो उस वक्त मुझे पता चला कि मैं रो रहा था, तो मुझे अंदर ले गए, पीछे ज़ेबा भाभी थी और उनके पीछे एक आदमी था जिसने चश्मा पहना हुआ था, वो था अंदर गया, उन्होंने मुझे कहा क्या क्या हुआ, तो मैंने उनको तफसील सुनाई, तो वो जिसने चश्मा पहना हुआ था उसने मुझे कहा कि यार मुझे सुनाओ कि वो उस्ताद ने किस बात से ये बात की। उनको मैंने इंटरवल तक कहानी सुनाई तो उन्होंने उठे और सिगरेट अपना ऐशरे में बुझाया और बुझाते हुए मोहम्मद अली साहब से बोले कि सर जी अगर मुझे ज़िंदगी में फिल्म मिली तो इस कहानी पर फिल्म मैं बनाऊंगा। और मेरी ये पेशीन गोई है कि जब ये राइटर बनेंगे ये पंजाबी का रियाज शाहिद होगा। अल्लाह। और फिर वैशी जट बनी और जब मैं अवार्ड लेने गया तो अज़र महमूद साहब उसके कंपेयर थे और मुझे आज तक याद है कि उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं रियाज शाहिद चले गए लेकिन मैं जब वैशी जट देखता हूँ, जब तूफ़ान देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रियाज शाहिद ने पंजाबी फिल्में लिखनी शुरू कर दी हैं नासिर अदीब के रूप में। वाह वाह। सर मेरी और नासिर अदीब साहब की जो स्टोरी ना मिलती, मेरा स्ट्रगल पीरियड है जी कि मैं महफिल थिएटर अंदर गया। अच्छा। एक बंदे ने कहा बाहर कर दो। अच्छा। बाहर निकले थे खान साहब खलोते रमानुल्ला साहब, उनका किधर है, मैं जी मैं ड्रामा काम करना, उन्होंने उसे बंदे ने बुलाया कहते होर दूर छड़ गया। जवेरिया आप भी कुछ स्ट्रगल इसी तरह की थी, बहुत आपने भी बहुत अरसा पहले मुझे याद है प्रोग्राम एक्टिंग चैलेंज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी जी बिल्कुल, उसके अंदर आप आई थी और उस वक्त बिल्कुल एक यूनिक सा प्रोग्राम था कि जी आम लोगों के अंदर से एक्टर्स उठा रहे हैं और वो आके ऑडिशन देते थे, मैंने उस तरह की चीज दोबारा उस स्केल पे नहीं देखी। नहीं बिल्कुल नहीं हुई दोबारा। और आई थिंक आप उसकी वाहिद ही प्रोडक्ट थी जो कि उसमें से निकली और अभी तक माशाल्लाह यू हैव बीन देयर। कितने साल हो चुके हैं? इट्स बीन 22 इयर्स नाउ। 22 इयर्स जी। जैसे सर ने अपनी स्टोरी सुनाई मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। हाँ हाँ। कि मैं काजिम पाशा साहब के दफ्तर में गई ऑडिशन देने और काजिम साहब ने मुझे कहा एक्टिंग सीख कर आना बेटा जाओ यहाँ से। मैंने कहा सर आप बात तो सुनो। मैंने कहा नहीं नहीं बाहर चल जाओ बाहर चल जाओ। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं कुछ करूँगी। एंड देन मैंने काजिम पाशा साहब की सीरियल से बेस्ट एक्ट्रेस पीटीवी अवार्ड उठाया। वाह 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 वाह। नासिर साहब मैं एक सीन पूछना है, वो मौला जट में फिल्म देखी थी सारी, एक सीन दे विच एक बंदा दरखत कट्टन दिया होंदा कुहाड़ी नाल, पिछों दी नूरी नत दा घोड़ा लंघदा, उहदे पैरां दी आवाज़ सुन के घोड़े दी इंज पिछे नूं वेखदा ते नूरी नत अगे निकल जा, बंदा कहिंदा अल्लाह खैर ही करे नूरी नत दी अख च लाली पहली वारी इन्नी वेखी है, अज कोई ना कोई तूफान खड़ा होएगा। जिन्ना घट्टा उड्डन दिया होंदा घोड़ा थोड़ा थोड़ा दिसदा, अख कित्थों दिस पई उहनूं। अगर मौला जट के स्क्रिप्ट को आप देखें तो वो वाहिद फिल्म थी जिसकी कहानी नेगेटिव थी, जिसका हीरो भी नेगेटिव था, लेकिन हमने इन्वॉल्व रखा और इस तरीके से इन्वॉल्व रखा कि मौला जट एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से नूरी नाथ आ रहा है, उसको भी गोलियां 10 आदमी मारने वाले हैं, इसको भी गोलियां मारी 10 मारने वाले हैं, पसीना तक नहीं आया उनके चेहरे के ऊपर, लेकिन लोगों ने माना, ये हमारा कमाल। सर ये जो आपका डायलॉग है मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा, आपको याद है वो लम्हा जब आप ये डायलॉग लिख रहे थे, आपने पहली बार कागज पे उतारा
तो आप क्या सोच रहे थे? मुझे अपनी जिंदगी में लिखी हुई हर फिल्म के हर डायलॉग का पस मंजर याद है। आपको पता है मौला वो है जो आसमान पर रहते हैं, जिसको आप अल्लाह भी कहते हैं। तो वहां से मेरे जहन में आया कि मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता, कि अल्लाह की रहमत से मेरा डायलॉग जो है पटवारी भी बोलता है, जरदारी भी बोलता है। ये बाकी आमद का खेल है। और आजकल तो नया ट्रेंड हो गया है कि बस जो भी लिखा हुआ है वो बोल दिया, क्योंकि वो जो टाइप करता है ना वो भी एक राइटर है अपने अंदर। जी वो अपने अंदर एक पूरा राइटर है। ये एक अजीब सी कहानी शुरू हो गई है कि वास्ते ने जो जुमला लिखा था वो कुछ और ही था, और वो जब तक टाइप हो गया हम तक पहुंचा वो कुछ और हो चुका है। बिल्कुल सर, मुझे एक बात बताएं, आपको पता है जिस तरह इंडिया के अंदर है कितने आदमी थे, आइकॉनिक जुमला है, और हमारे पास ये है मौले नो मौला ना मारे, कभी इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ आपका? पहले तो आपको इस जुमले की बात बताऊं जिसका सर आपने रेफरेंस दिया, आप तो राइटर है माशाल्लाह। मौले नो मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा एक थाट है, एक फिलासफी है, और इसके पीछे एक हिस्ट्री है। कितने आदमी है सिर्फ लफ्ज है तीन। बिल्कुल, तो कितने आदमी इसलिए मशहूर नहीं होता कि वो डायलॉग बहुत अच्छा था, उसकी डिलीवरी बहुत अच्छी, डिलीवरी बहुत अच्छी थी। बिल्कुल, उसको एक्टर ने हिट किया, मेरे डायलॉग ने एक्टर कोट किया था, उस डायलॉग को एक्टर ने किया। दूसरा सर ये कि धर्मेंद्र ने बुलाया, मैं गया, मैंने उनके लिए कहानी भी लिखी, वो अभी तक इत्तेफाक से उन्होंने बनाई नहीं। गीता का बेटा उसका नाम था। असल जो जिक्र है ना वो ये कि मेरी सलीम साहब से मुलाकात हुई, जो सलीम जावेद सलमान खान के जो फादर थे, उनके साथ टेलीफोन पर बात हुई, तो मैंने कहा मिलना चाहता हूँ। तो कहने लगे कि उस वक्त वो तकरीबन रिटायर हो चुके थे, ये 88 की बात है। तो मैंने कहा जी जावेद साहब से, हाँ हाँ जावेद साहब से मिल लो। तो जावेद साहब को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ौरन मुझे बुला लिया, मैं चला गया। तो वो भी देवल मेरे साथ थे। तो जावेद साहब के साथ एक इंसिडेंट यहाँ हो चुका था कि इधर वो पाकिस्तान आए, तो ग़ुलाम मुहिद्दीन साहब ने मुझे फ़ोन किया, उस वक्त मोबाइल तो था नहीं, कि तो कहने लगे भाई वो जावेद अख्तर साहब आए हैं, तो ज़रा मिलने आ जाओ। मैंने कहा भाई जो बम्बे से चल कर यहाँ लाहौर पीसी तक आ गया वो मेरे घर नहीं आ सकता। यार ये बहुत बुरी बात है नासिर दी, बहुत बड़ा राइटर है। मैंने कहा मैं उससे बड़ा राइटर हूँ। वो जुमला उसने सुन लिया क्योंकि वो पीटी सेल से बात हो रही। खैर मुलाकात हमारी नहीं हुई। जावेद साहब ने जब बुलाया तो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम के बाद तो मुझे कहता है कि सबसे पहले नासिरदीप साहब एक बात का जवाब दें कि आपने ये जुमला बोला था। मैंने कहा जी मैंने बिल्कुल बोला था। कहला इसके पीछे आपका गुरूर था। मैंने कहा जी गुरूर तो का जवाब तो मैं आपको ये देता हूँ कि मैंने आज तक ये लफ्ज़ नहीं बोला कि मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ। आपसे मैंने ये ज़रूर कहा था कि आपसे मैं बड़ा राइटर हूँ। कहते क्यों कहा था? मैंने कहा बात यह, आप जान निसार अख्तर के बेटे हैं, मैं एक अनपढ़ बाप का बेटा, आप मजाज लखनवी के भांजे हैं, मेरे मामे भी अनपढ़ थे सर। आपके पास एक स्टेज थी, मेरे पास कोई स्टेज नहीं थी। आप बम्बे की फिल्म इंडस्ट्री में थे जहाँ करोड़ों रुपए में फिल्में बनती थी, मैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में था जहाँ 30 से लेकर 40 लाख 50 लाख रुपए में फिल्म बनती है। आपके पास हीरो था जिसका नाम था अमिताभ बच्चन, क्लर्क भी अच्छा लगता है, बदमाश भी अच्छा लगता है, पुलिस वाला भी अच्छा लगता है, नाचते हुए अच्छा लगता है, गाते हुए अच्छा लगता है, पर स्टाइल एक्टर है। मैंने कहा मेरे पास जो हीरो था उसका नाम सुल्तान राय था, उन्होंने एक ही काम मानता सी, मैं तेनू नहीं छड़ांगा। मैं क्या, मैंने 18 साल एक कहानी लिखी कि उस आदमी पर जुल्म और उसने इंतकाम लिया। मेरा हीरो आज तक सुपरहिट है और कब्र तक जाने तक भी वो इंशाल्लाह सुपरहिट रहेगा, और वो रहा, उसकी आखिरी फिल्म मेरे साथ सखी बादशाह थी। बिल्कुल। मैंने कहा आप अमिताभ बच्चन को 7 साल से ज्यादा नहीं चला सकते। चेहरे पे मुझे प्यार नजर आता है, सारी दुनिया को तू खूंखार नजर आता है, मेरी तनख्वाह पे तुझको तो खुशी है लेकिन मुझको हर सम्त कर्जदार नजर आता है। कर मेरे साथ तआवुन न किया थोड़ा सा, फिर न कहना कि तू बेजार नजर आता है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जवेरिया ये बताएं आपने देखी हुई है मौला जट? जी सर बिल्कुल।
देखी हुई है जी? पहले तो काफी पहले देखी थी, जिन दिनों में नई नई एक्टिंग का दौर था तो उस वक्त हम लोग होमवर्क करते थे और बहुत सारी फिल्म्स ला के देखते थे, तो उसमें कुछ इंडियन भी होती थी, पाकिस्तानी भी होती थी, तो उस टाइम पे देखी थी, तो उस वक्त इतनी शायद अवेयरनेस नहीं थी, समझ नहीं आई उस वक्त क्या हो रहा है। और फिर आपको पता है पंजाबी, हाँ बिल्कुल, हम उर्दू स्पीकिंग हैं तो बिल्कुल पंजाबी समझ ऊपर से गुजर रही थी सारी चीज़ें। तो रिसेंटली कुछ एक आध साल पहले मैंने दोबारा देखी बैठ के और इतना मज़ा आया, और क्योंकि अब समझ आ गई थोड़ी सी पंजाबी तो बहुत मजा आया, आई एंजॉय इट थरली। तुसी देखी मौला जट अकरम साहब? मैं बदमाशी ओदे तो शुरू की थी जनाब, मैं फिल्म देख के गया, एक बदमाश नंगदा हुंदा सी घोड़े ते मैं ओदा घोड़ा रोकया, फिर मैं फड़िया घोड़ा, मैं कहा मौले नूं मौला ने मारे ते मौला नहीं ओ मरदा, उहने मेरे मुंह ते चपेड़ मारी, मैं फिर रोंदिया उहनूं कहा, मैं कहा तैनूं मौला नहीं लैणे ही आ। ये ऐसी हरकतें नहीं करते ना सिर्फ फिल्में देख के। सर मुझे एक बात बताएं, अब आप फिर से एक बार मौला जट के उसके ऊपर ट्रैक पे फिल्म आ रही है, और अब का सफर जो है आपका आई वुड से कुछ सुल्तान रही से फवाद खान तक पहुंच चुका हुआ है और मुस्तफा कुरैशी साहब से हमजा अब्बासी तक पहुंच चुका हुआ है, कैसा लगता है ये नए लोग जिनके साथ काम कर रहे हैं? मजेदारी के बाद ये बताऊं कि ना मेरे प्रोड्यूसर को पंजाबी आती है, ना मेरे डायरेक्टर को पंजाबी आती है, अच्छा ना किसी एक्टर को पंजाबी आती है सिवाय हमजा अब्बासी। सानू क्यों फसाया तुसीं पहले दस्सो। अच्छा अच्छा, जिस वक्त मैंने ये फिल्म साइन की ना सर, तो मुझे सबसे पहले घर वालों ने कहा कि आपने बहुत बड़ी गलती की। अच्छा। फिर ट्रेड के लोगों ने कहा आपने बहुत बड़ी गलती की, और उस दिन मैं वाकई बहुत डरा, जिस दिन मुशाहिद हुसैन सईद, उनके भाई हैं मुवाहिद हुसैन सईद, उनका मुझे फ़ोन आया, उनको मौला जट ज़ुबानी याद है, तो उन्होंने मुझे कहा नासिरदीप साहब अगर पैसों के लालच में आपने ये फ़िल्म की है तो पैसे मैं आपको दे देता हूँ, आप ये फ़िल्म छोड़ दें, क्योंकि आपके पास जो अल्लाह ताला ने इज्जत बनाई है ना वो उससे भी आप जाएँगे। मैंने कहा अच्छा जी मैं कल जवाब दूंगा। मैं सारी रात सोचता रहा, फिर मैंने वही बात वो डायलॉग वाले याद आ गई, मैंने कहा नासिर अदीब वैसे जट से लेकर आज तक तूने अपने पास से क्या लिखा? कुछ भी नहीं लिखा, तू अल्लाह से मांगता था, अल्लाह तुझे अता करता था, क्या तुझे मांगना भूल गया या वो देना भूल गया? तो मैंने अल्लाह से कहा, मैंने कहा या अल्लाह अब मैं तेरे सामने फिर दरख्वास्त करता हूँ कि जब मैं ये फ़िल्म का स्क्रिप्ट मुकम्मल करूं तो मेरा डायरेक्टर ये कहे कि ये फ़िल्म मौला जट से ज़्यादा अच्छी लिखी है। फिर सर जब वो स्क्रिप्ट मुकम्मल हुआ तो मैंने पहला क्वेश्चन बिलाल साहब से किया, मैंने कहा बिलाल साहब मैंने आपका स्क्रिप्ट लिखा, मुझे दयानतदारी से बैठे हैं आप और मैं हूँ, कि आपको मेरा स्क्रिप्ट मौला जट से अच्छा लगा? उसने कहा सिर्फ अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अल्लाह के सामने दो सजदे देकर शुक्र अदा किया, और फिर लोग कहते थे फवाद खान क्या मौला जट बनेगा और हमजा अब्बासी क्या नूरी नत बनेगा और मायरा खान ने क्या मुखो बनना है। सर टीजर चला है, ये इन लोगों ने भी देखा होगा सब बच्चे जो बहुत जबरदस्त, अल्लाह ताला मेरा ईमान है कि सर अल्लाह ताला बहुत इज्जत देगा इसको। आपने देखा जवेरिया मौला जट जो नहीं आ रही है उसका ट्रेलर? बिल्कुल देखा मैं। कैसा लगा? आई थिंक मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी वो देखने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा मौला जट देख ली थी तो वो ज़्यादा थ्रिल हो गया था कि पता नहीं क्या आने वाला है। और मैं बिलाल अशारी की बहुत फ़ैन हूँ, बहुत ही इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, मतलब मैं उसकी इस हद तक फ़ैन हूँ कि एट टाइम्स मेरा दिल चाहता है कि मैं सिर्फ बैठ के सेट पे जाके देखूँ कि वो काम करता किस तरह है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ ਫਿਰ ਬਿਲਾਲ ਕੋ ਅਗਰ ਸਰ ਜੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਮਿਸਟਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਪਰਫੈਕਟ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ 54 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕੀਆ, ਯੇ ਮੇਰਾ 55th ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, इतना परफेक्ट मैंने आदमी कोई नहीं देखा। वो काम करता है सर, उसको अगर एक्टर पसंद है एक्टर ही टेक हो जाता है। 55 डायरेक्टर्स से काम कर चुके हैं आप जी, ये सबके नाम याद होंगे आपको? इतना बंदा भूल ही जाता है। उन नदियां कब्रां भी याद है ना।
Mango. Good, how are you? You know what happened with me? What? Mere naal ek dhokha ho gaya. Ab kya? Last night somebody called me that ke tere lucky draw ch 5 lakh rupaye nikle ne. Aha. Kehnda hai tusi 100-100 de 5 card mainu bhejo. Okay. Main apne malik makan kol 500 rupaya dwara leya. Ha. ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੋਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਫਿਰ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ 3 times ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ 500 ਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ये फोन स्कैम से बचा करो तुम्हें पता है कितनी आम फहम चीज है बस लालच किसे वेले जेने चा जांदी है बिल्कुल तो कुड यू प्लीज गिव मी अ 500 रुपीस आई डोंट हैव मेरी जान बच जावे आई डोंट हैव एनी मनी ऑन मी तो आदे कोल कदी होया तो नहीं फिर भी मैं उम्मीद ला के आना ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਅਭੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਵਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇਨਮੇ ਸੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਸੈਨੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਕਟਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ ਐਂਡ ਸਰ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਜਿਸ ਗਾਇ ਯੈਸ ਪਰਵੇਜ਼ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ये परवेज खटक नहीं है सॉरी अबाउट दैट अच्छा मैं उन्होंने देखा है ही इज मिस्टर नासिर अदीब ही इज अ वेरी वेरी फेमस फिल्म राइटर ओ बढ़िया मैं फिल्में देखी हैं तुसी ते नजर ही नहीं आए क्योंकि वो राइटर जो है ओ राइटर ते कैमरे के आंदे ही नहीं यस ओ पहले राइटर नहीं सी आंदे ए हुन वाले आन लगे दिस इज गुड थिंग अच्छी गल है भाई जिदी चीज ओनु सामने ले आना चाहिए हां ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਓ ਯੈਸ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਵਾਹ ਯੈਸ ਦਿਲਦਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 500 ਲਾਏਗਾ गाना है ना नहीं फिल्म का गाना है हाँ यस मगर अभी फिलहाल कोई पैसे नहीं है यहाँ पे चलो फिर मौले ने मौला ना मारे थे फिर थे नहीं ना मारता मौले ने तो बड़ा पैसा कमा के दिता है खरे के नहीं खोडे च नपी जाते तेरी शक्ल मौला जट ना मिल दी मैं क्या सर कि हाँ। कहना मौला जट 10 साल बीमार रहे तो तेरे वर्गा हो जाए वेलकम बैक टू मुज़ाकरात नासिर साहब माशाल्लाह बड़ी टिमिड पर्सनालिटी आपकी और बड़े एक पतले से आप हैं और जो डायलॉग आपका होता है वो इतना खूंखवार होता था बताइए इतना गुस्सा इतना एंगर ये किधर से ड्राइव करते हैं मैं बताता हूँ सर के मुल्तान का एक आदमी मुझे मिलना है कहता जी नासिर दीप साहब को मिलना है तो उन्होंने कभी अंदर बैठे हुए उन्होंने अंदर आ गया अकेला बैठा मैं सोफे के ऊपर इस तरीके से सीन लिख रहा था तो एक 6 फुट का बंदा है उसको हाथ से दरवाजे पर रखे सलाम अलैकुम मैं कही वालक नासिर दीप साहब को मिलना है मैं कह जी हुक्म ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਸਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਮੜ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਸ਼ਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹਮਾਰੇ ਹਵੇਲੀ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਥਾ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਲਾਠੀਆਂ ਔਰ ਡਾਂਗੇ ਬਰਸਾ ਰਹੇ ਥੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨੇ ਉੱਪਰ ਸੇ ਛੱਤ ਪਰ ਸੇ ਇੰਟਿਵ ਚਲਾ ਰਹੀ ਥੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਥਾ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਾਜ 2 years old ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਹਿਨ ਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ ਵੋ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਵੈਸ਼ੇ ਜੱਟ ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸਮੇਂ ਜੋ ਵੋ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਨ ਥਾ ਜਿਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਥੇ उधर से उनकी बहन रोटी लेकर आई थी इधर से मेरी माँ रोटी लेकर आई थी तो वो जो डायलॉग था ना इन्हें अपने भरावों को कुछ खवाया कर कल मैं तौड़ लावा तो लहू तो वगे ये डायलॉग ओरिजिनल मेरे भाई ने बोला हुआ था वो। 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 वो।
मैं अगर राइटर ना होता तो मैं बहुत बड़ा बदमाश होता। तुसी फिर खुद कुछ जैकटा बनाया करो। यार पीटीआई दा मैं फैन हो गया। Why so? यार एडी फ्यूचरिस्टिक पार्टी। Really? मैं हैरान हो गया। पहले मैं इनके खिलाफ था। मैं के यार 24 घंटे चाह ते बिस्कुट वाए। ए क्यों चाह ते बिस्कुट वाला कल्चर लेके आ रहे हैं। लेकिन आज मैंने समझ आई कि मैं ना समझ सा। क्यों? भाई महंगाई इतनी हो जानी सी कि इस कौम नु चाह ते बिस्कुट ही खाने पड़ने। सवेरे मैं टमाटर लैन गया। अच्छा। मैं क्या भाई जान टमाटर का की रेट है? हाँ। और मैंने कहा जो डॉलर का रेट है। ओ। सर कितने लै गए ने कौम नु? आई नो। मैं तो आज गया मैं क्या सर मेरा वोट वापस करो। अच्छा। भाई मैंने दोबारा खांदी ये पीटीआई। ओए होए। यार इतना जुल्म। हाँ। महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। व्हाट शुड आई डू? ये की मतलब है? आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं क्या थोड़े को मशवरा लवा क्योंकि तुसी कोई एडे समझदार थे नहीं ना। अच्छा मैं अभी चौक के दरमियान हूँ, मेरे मेहमान बैठे हैं। ओ बेशक। ओ नसरदीन साहब। हाँ। ड्रॉप द स्टिक। हैं जी क्यों? ओए ते मेरे बड़े मोशन ने हैं। ओ इन दी वजह से मैं भर्ती होया। इनकी वजह से? ओ सर बाकी ते पुलिस च गेम बेस ते भर्ती होए। हां मैं मौला जट बेस ते भर्ती होया। ओ तुम और मौला जट? जी सर मैं जिसले इंटरव्यू देन गया। हां डीआईजी साहब मैंने कहंदे ने व्हाट यू हैव अ स्पेशलिटी। हां मैं कहा सर मौला जट दे डायलॉग मैनु याद ने। अच्छा। मैनु कहंदे ने सुना। हां मैं कहा मेरा दिल कहंदा है तेरी मौत दी लकीर मेरे हाथ विच्चे। अगो डीआईजी साहब कहंदे ने मेरा दिल कहंदा है तेरी भर्ती दी लकीर मेरे हाथ विच्चे। मेहमान आए मैं बात। यार ऐसे बंदे बुलांदे हो ते दस दे ही नहीं। सर मैं तुहानू सलूट पेश करना चाहना। इनियां फिल्मां किथे ने? वो बैठे मैं इन्हों सारियां लाया के दियो मैं लैंड सर्वे खड़ी हैं। 412 फिल्में देखेंगे? 412 फिल्मा 378 फिल्मा ते पंजाबी ने। हाँ। ते 48 फिल्मा उर्दू। मैं इन्हों ते एक एक गल याद है ते मोहतरमा जवेरिया अबासी साहब। मैं कहना ऐसी फनकारा सदियां च पैदा होंदी ते ऐसे फनकार हर सर्दियां। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡੀਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਾ ਜੱਟ 10 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਰਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਸਰ ਡੀਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁਸਫਾ ਗਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ? ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾ ਮਹਿਮਾਨ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਾਜਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾ ਕਾਜਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਆਤਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸੀ ਫੂਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਫੂਲ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਹੈਵ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਚਲਾਣੀ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚਲਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵੀ ਦੋ ਏਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁਣ ਸਰ। ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਵੀਆਈਪੀ ਪਾਸ ਪਰ ਨਾਸਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਕੋ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਰੀਮਾ ਔਰ ਰੇਸ਼ਮ। ਰੇਸ਼ਮ ਰੇਸ਼ਮ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਮਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो नाज़िर साहब जवेरिया से आगाज करते ताकि आपको अंदाजा हो जाए गेम का। ये बताइए इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी और किसका फोन आया तो आप फोन बंद करके साइड पे ही रख देंगी। ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब नुमान एजाज, जनाब साजिद हसन और
जनाब हुमायूं सईद किसका फोन आया तो फौरन उठाएंगे। साजिद हसन का फोन उठा लूंगी। ठीक है, नोमी भाई को मैसेज पे जवाब कर ठीक दूंगी। ठीक है, हुमायूं सईद रह गए। आई एम सो सॉरी हुमायूं, माई का फोन था। बस ठीक है, हुमायूं सईद सब आप है वो जिनका फोन आया, तो ये फोन बंद करके साइड पे रख रही हैं। डिनर की ऑफर आई है, इनमें से किसके साथ डिनर की ऑफर है तो फौरन कबूल करेंगी, कौन सी ऑफर है जिसको आप बहाने से रिजेक्ट कर देंगी कि चलो यार बाद में देखेंगे, और कौन सी ऑफर है जिसको आप बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देंगी। ठीक है जी, जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं फहद मुस्तफा, अली जफर और फवाद खान। किसके साथ ऑफर को आप एक्सेप्ट कर लेंगे? आई थिंक अली जफर। अली जफर, कौन सी ऑफर है जिसको आप बहाने से टाल देंगे कि देखेंगे बाद में? फवाद खान। और कौन सी ऑफर है जिसको रिजेक्ट ही कर देंगे? फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा साहब, आपकी ऑफर होगी रिजेक्ट। हर आदमी गाड़ियों और वॉशिंग मशीन के चक्कर में नहीं होता। नहीं होता। ये बताइए, एक चेयर लिफ्ट है जो दो पहाड़ों के दरमियान में जाके फंस गई। चेयर लिफ्ट के ऊपर आप हैं, नीचे खाई है, ऊपर बादलों में चेयर लिफ्ट है, 7 से 8 घंटे इस चेयर लिफ्ट ने नहीं हिलना यहाँ से, तो किसको अपने साथ आप बिठाना चाहेंगे इस चेयर लिफ्ट पे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं राणा सनाउल्लाह और फैजल हसन चौहान। मैं अकेले मर जाऊंगी। ये आपका ऑप्शन नहीं है? दोनों में से बेहतर कौन है? थोड़ा फैजल हसन चौहान। चले वो फैजुल हसन चौहान के साथ आप चेयर लिफ्ट पे बैठना चाहेंगी। ठीक है, तौबा, इतना बुरी तरह फंसाया। बहुत सारी तालियां जवेरिया के लिए। साहब देख लिया आपने? ठीक है सर, तो सर ये बता दीजिए, आपको किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगे, किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगे, और किसका फोन आए तो आप अपना फोन बंद करके फिलहाल साइड पे रख देंगे? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं शान, हुमायूं सईद और अली जफर। तो किसका फोन आए तो फौरन उठा लेंगे? अली जफर। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? शान। और किसका फोन आया तो फोन बंद करके साइड पे रख देंगे? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, हुमायूं सईद साहब, आपका आज बुरा दिन चल रहा है। ठीक है भाई, अपनी अपनी किस्मत है, ये तो ठीक है। बस जी ने उन्होंने राइटर भी इंजदे ने, हीरो भी इंजदे ने। टाइटैनिक फिल्म आपने देखी होगी? जी देखी सर। टाइटैनिक के वक्तों में चलते हैं, पहले 2 VIP पास नासिर अदीब साहब के पास हैं, एक उनका अपना और दूसरे पे वो किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। उस दूसरे VIP पास पर नासिर अदीब साहब किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं रीमा और रेशम। रेशम। रेशम और रीमा तो डॉक्टर ला गए ना। सर ये बता दीजिए, एक डूबती कश्ती में सवार हैं आप, 2 लाइफ जैकेट्स थी, एक आपने पहन लिया जिसको आप उतार नहीं सकते और दूसरी लाइफ जैकेट आप किसी और को दे सकते हैं, तो वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसको बचाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं हमजा अबासी और फवाद खान। हमजा अबासी। हमजा अबासी लकी मैन हो इन सर। लकी मैन, नूरी नथ बच रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी तालियां नासिर अदीब साहब के लिए। साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पे तशरीफ लाने का सर, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ ग्रेट ऑनर टू टॉक टू यू। जवेरिया आपका भी हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, और जाके जरूर देखिएगा छोटी ईद पे जब आएगी द लेजेंड ऑफ मौला जाट।